नगर निगम सोलन द्वारा आज अपना दूसरा बजट पेश किया गया है। नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने सभी पार्षदों के सामने इस बजट को रखा और बताया कि निगम की वित्तीय स्थिति किस तरह से है और किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए कार्य आगामी दिनों में किया जाना है। मेयर पूनम ग्रोवर ने करीब 193 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि निगम की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और निगम के सभी पार्षदों को भी अवगत करवाया गया है। उन्होंने अपील की है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का संकल्प से अपना योगदान दें ताकि नगर निगम प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। बजट के दौरान मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि नगर निगम सोलन द्वारा सड़कों के किनारे रेलिंग, डंगों और सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। शहर में जगह जगह पर स्ट्रीट लाइटों को लगाया जाएगा, वहीं पार्कों के रखरखाव के लिए भी कार्य किया जाएगा। मेयर ने बजट के दौरान कहा कि जहां जहां भी शहर में खाली जगह पड़ी है वहां पर पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। इसी के साथ पानी स्टोरेज टैंक के रखरखाव और पानी सप्लाई स्कीम के रखरखाव के लिए नई योजनाएं लाई जाएगी। तो आज के बजट में जो है हमारा जो मेन वो लक्ष्य था उसमें जो है मेन जो तवज्जो है पार्किंग को दी गई है कि शहर में लोगों को पार्किंग की सुविधा दी जाए। दूसरा, सोलन शहर को सोलर शहर बनाया जाए, इसमें सोलर लाइट का भी जो है प्रावधान किया गया है। तीसरा, इसमें पैदल चलने के लिए ओल्ड बस स्टैंड से लेके चंबा घाट तक पैदल मार्ग बनाया जाएगा, ओल्ड डीसी ऑफिस से सीजम रेजिडेंस तक और ओल्ड डीसी ऑफिस से डिग्री कॉलेज तक जो है पैदल चलने की लोगों को सुविधा दी जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है तो लोगों को पैदल चलने में काफ़ी असुविधा रहती है। तो इसको देखते हुए जो है हमने इसमें बजट में प्रावधान रखा गया है। दूसरा, इसमें जो है हमारा वार्डों में जो है 17 वार्डों में डेवलपमेंट के लिए भी स्पेशल बजट रखा गया है। इसमें जो पहले भी है सड़कें, नालियाँ, रास्ते, डंगे, जैसे जैसे वार्ड पार्षदों की रिक्वायरमेंट रही है तो उसमें 12 करोड़ का हमने 2022-23 में जो है काम करवाया है। तो आगे भी जो है डेवलपमेंट के लिए जो दिया है तो आज के बजट में भी 20-20 लाख जो है प्रत्येक वार्ड को डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। ये 193 करोड़ 75 लाख 83 हज़ार। मैं बतौर डिप्टी मेयर इस बजट को बहुत शानदार तरीके से देखता हूँ, क्योंकि लोगों का काम तो निंदा करना है जो लोग काम कर रहे हैं साथ बैठ करके, और कई लोग ऐसे हैं जो पिछली बार भी बजट में नहीं थे, उन लोगों ने भी बजट को निंदा की है, पर कई जगह पे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पर एज अ बतौर डेप्यूटी मेयर मैं एक सराहनीय बजट है, और यदि इस पर 80-90% भी हम काम कर पाते हैं एक साल के अंदर तो ये बहुत खुशी की बात होगी।